हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिडी ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग। और अगर आप भी इस तरह की मिडी बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम मिडी के अपर पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, देखिए ये ओपन साइड है यहाँ पर, और ये फोल्डेड साइड है देखिए। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी लेंथ हमने कितनी रखी हुई है। तो देखिए हमने इसकी टोटल लेंथ जो है वो 15 इंच रखी है, यानी कि 15 इंच। 14 इंच हमें यहाँ पे रेडी चाहिए और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। 1/2 इंच हमारा ऊपर से एक्स्ट्रा जाएगा सिलाई के लिए और 1/2 इंच हमारा यहाँ नीचे से सिलाई के लिए एक्स्ट्रा जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर टोटल 15 इंच का इसकी लेंथ लिया हुआ है। अब यहाँ ऊपर से सबसे पहले हम 1/2 इंच पे एक निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को यहाँ पे हमें शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 5 इंच। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 5 इंच पे एक निशान लगाना है देखिए। और इस निशान से नीचे को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल मैं यहाँ पर लूँगी 6.5 इंच। तो इस तरह से हमें 6.5 इंच तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए यहाँ आर्म होल के लिए हमने यहाँ ऊपर से 6.5 इंच तक एक लाइन ड्रॉ कर ली है देखिए। अब हमें यहाँ पे राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 32 इंच, यानी कि 32 इंच। और 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 8 इंच। और 8 इंच पर हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपके मेज़रमेंट में कमर है आप उसको 4 से डिवाइड कर लें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में कमर है 28 इंच, 28 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 7 इंच। और 7 में मैं यहाँ पे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी, क्योंकि मुझे कमर में थोड़ा सा लूज़ चाहिए। और अगर आपको फिटेड चाहिए तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लें और यहाँ बीच में यहाँ पर एक डार्ट डाल लें, जिससे आपको फिटेड आ जाएगी। तो यहाँ पे मुझे ये लूज़ चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे 8.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा रही हूँ। और इस निशान को हम यहाँ ऊपर इस तरह से एक सीधी लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ आप साइड से हमें मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं मार्जिन ले रही हूँ 1 इंच। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कमर में भी हमें 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा के इसे हमें लाइन से स्ट्रेट जॉइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगाना है, ये देखिए। और अब यहाँ ऊपर से हमें एक निशान लगाना है 4 इंच पे। यहाँ पे 4 इंच लंबी मुझे स्ट्रेप्स चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट की नेक की डीपनेस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 इंच ले रही हूँ देखिए। और इसे हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अगर आपको बैक पार्ट के नेक में यहाँ पे कोई शेप देनी है तो आप शेप भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे स्ट्रेट रखा हुआ है, ये हमारा बैक पार्ट है। और अब हम इसे यहाँ पर कट कर लेंगे। तो देखिए अपर पार्ट के बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करके बताऊंगी। तो देखिए फ्रंट वाले पार्ट के लिए हमने यहाँ पे कपड़े को 2 फोल्ड में रखा है देखिए, और ये दोनों साइड से ही ओपन में रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ हमारे फ्रंट वाले पार्ट में प्लेकेट लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 1/2 इंच पर एक निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर दी है पूरे में, ये देखिए इस तरह से। इसमें हमने यहाँ पर एक साइड से 1/2 इंच पर एक निशान लगा के पूरे में एक लाइन खींच ली है देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा आगे से इसमें प्लेकेट लगेगा। और ये ओपन साइड है देखिए, और यहाँ इस साइड से भी ये पार्ट ओपन है। अब हमने यहाँ पे जो ये साइड से निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ करी है देखिए, इस लाइन से आगे को हमें अपने बैक वाला जो पार्ट हमने कट किया है बिल्कुल इस लाइन से मिलाते हुए इसे रखना है देखिए, इस तरह से। फ्रंट वाले पार्ट में हमने आगे से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए एक लाइन ड्रॉ करी है, और इस लाइन से बिल्कुल मिलाते हुए हमें बैक वाले पार्ट को इस तरह से रखना है देखिए। और इसे हमें यहाँ पे पूरा ट्रेस कर लेना है।
तो ये देखिए यहाँ पे हमने बैक वाले पार्ट को पूरा ट्रेस कर लिया है और अब हम बैक वाले पार्ट को हटा लेंगे देखिए। और अब हमें यहाँ पे फ्रंट आर्महोल का शेप देना है। तो ये देखिए फ्रंट आर्महोल का यहाँ पे शेप दे दिया है और आपको ध्यान होगा कि ये हमने यहाँ पे बैक वाले पार्ट का नेक का निशान लगाया हुआ है जो कि हम 4 इंच आए हुए थे। और यहाँ पे हमने स्ट्रैप्स के लिए भी 4 इंच पे एक निशान लगा के एक सीधी लाइन से इसे ज्वाइन कर लिया था बैक पार्ट में। और फ्रंट वाले पार्ट के लिए हम इस निशान से नीचे को 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। फ्रंट वाले पार्ट के लिए हमें यहाँ पे जो स्ट्रैप्स के लिए हमने 4 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया था, ये तो हमारा 4 इंच ही रहेगा। और यहाँ पे हमने नेक के लिए 2 इंच हम नीचे आ गए हैं देखिए, तो यहाँ पे मैंने 2 इंच नीचे पे एक निशान लगा लिया है। और अब इस निशान से हमें यहाँ पे एक शेप देनी है, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग देना चाहें नेक के लिए शेप वहाँ पे दे सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे इस तरह की एक शेप दे रही हूँ नेक में। तो ये देखिए यहाँ पे हमने फ्रंट वाले पार्ट के लिए नेक की शेप दे दी है और अब हम इसे कट करेंगे। तो कट करने के लिए देखिए यहाँ पे जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है साइड से, इस लाइन को हमें इस तरह से अंदर रॉन्ग साइड की ओर को टर्न कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। जहाँ तक हमने यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन दिया है इस तरह से टर्न कर लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे नेक को कट करना है। तो अब हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो गई है, तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है देखिए। अब मैं इसका बॉटम पार्ट बनाना बताऊंगी। तो देखिए मिडी के बॉटम पार्ट के लिए हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स कट करके रखे हुए हैं फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए। और इस कपड़े की चौड़ाई 49 इंचेस की है, तो हमने यहाँ पे चौड़ाई में पूरा ही ये रखा हुआ है। और इसकी लेंथ मैं आपको बताती हूँ कि हमने कितनी ली हुई है। तो इसकी जो हमने टोटल लेंथ ली है वो ली है 32 इंच, यानी कि 32 इंच। और ये 32 इंच मैं किस तरह से ले रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए मिडी की फुल लेंथ मेरे मेज़रमेंट में है 44 इंच, यानी कि 44 इंच। और 44 इंच में से हम 14 इंच माइनस कर लेंगे क्योंकि 14 इंच का हमारा अपर पार्ट है यानी कि बॉडीज पार्ट। तो 44 इंच में से हमने 14 इंच माइनस किया तो आया 30 इंच। और 30 में मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए क्योंकि 1.5 इंच हमारा नीचे से फोल्ड होने में लगेगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ ली है 32 इंच। और देखिए 32 इंच के ही हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स लिए हुए हैं देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स के लिए। तो देखिए कपड़े की चौड़ाई हमने यहाँ पे पूरी ली हुई है क्योंकि यहाँ ऊपर से हमें इसमें गैदर्स डालनी है, तो गैदर्स के लिए हमें कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है चौड़ाई में, तो इसलिए हमने यहाँ पे ज़्यादा लिया है। और ये फोल्डेड साइड है देखिए, बैक पार्ट के लिए हमें एक साइड से फोल्डेड और एक साइड से यहाँ ओपन चाहिए, तो इसे हम साइड रख लेंगे। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें यहाँ पे दोनों साइड से ये ओपन चाहिए। देखिए यहाँ पे ये फोल्डेड साइड है, इसे हम अभी अलग कर लेंगे। और यहाँ इस साइड से ये ओपन है, तो देखिए यहाँ से भी हम इसे कट करके अलग कर लेते हैं क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट में हमारा पूरे में प्लेकेट लगेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे इस कपड़े को कट कर लिया है देखिए फ्रंट वाले पार्ट के लिए, क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट में मैंने आपको बताया कि इसमें हम प्लेकेट लगाएंगे। और देखिए ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स हैं और इन्हीं की तरह हमने एक पार्ट और कट किए हैं फ्रंट और बैक फिनिशिंग के लिए, तो चलिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट है और इसी की तरह हमने एक पार्ट और कट किया हुआ है फिनिशिंग के लिए, सेम इसी की तरह हमने कट किया हुआ है देखिए, बस इसकी लेंथ हमने यहाँ पे थोड़ी कम रखी हुई है। इसकी लेंथ हमने देखिए जो हमारा यहाँ पे मेन बैक वाला पार्ट है इसकी लेंथ से थोड़ा कम रखी है। और ये मैंने कितनी रखी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ देखिए। तो देखिए इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 8 इंच की रखी हुई है देखिए। और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है देखिए, और फ्रंट वाले पार्ट के लिए भी हमने एक पार्ट और कट किया हुआ है सेम इसी की तरह, और इसकी भी हमने लेंथ 8 इंच ही रखी हुई है देखिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें किस तरह से स्टिच करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रैप्स के लिए भी एक कपड़ा कट किया हुआ है, इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 11 इंच रखी है देखिए, और चौड़ाई में मैंने यहाँ पे ये 3 इंच रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम स्ट्रैप्स रेडी करेंगे, ये रॉन्ग साइड है कपड़े की और ये राइट साइड है, तो हमें यहाँ पर कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है देखिए इस तरह से, और यहाँ साइड से एक सिलाई रख लेनी है इसमें। और सेम इसी तरह से हमें दूसरी स्टेप्स को भी करना है, ये रॉन्ग साइड है कपड़े की और ये राइट साइड है, और एक फोल्ड हमें इस तरह से करते हुए
यहाँ साइड से एक सिलाई रख लेनी है इसमें। तो ये देखिए, अब हमने यहाँ पे इसके साइड से इसमें सिलाई लगा ली है। दोनों स्टेप्स में हमने यहाँ पे साइड से सिलाई लगा ली है और अब ऑल पिन की हेल्प से हम इसे राइट साइड की ओर को टर्न कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए दोनों स्टेप्स को राइट साइड की ओर को टर्न कर लिया है और अब हम इसमें आयरन कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसे हमें किस तरह से अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों स्टेप्स में आयरन कर ली है और अब मैं आपको बताऊँगी किस तरह से इसे हमें लगाना है। तो देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और कपड़े की ये रॉन्ग साइड है देखिए, और ये राइट साइड है कपड़े की। तो दोनों पार्ट्स को इस तरह से ओपन करके रख लेंगे हम, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हमें प्लेकेट्स लगानी है। तो देखिए अब जो ये आमहोल वाली साइड है यहाँ पे हमें एक निशान लगाना है 2.5 इंच पे, ये देखिए इस तरह से। और सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें यहाँ पे आमहोल वाली साइड में ही यहाँ पे एक निशान लगाना है 2.5 इंच पे, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइड में हमने इस तरह से एक निशान लगा लिया है 2.5 इंच पे। और अब जो हमारे पास ये स्ट्रैप्स हैं इस स्टेप्स को हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है। देखिए ये जो निशान हमने लगाया है इस निशान से बाहर को रखना है, देखिए आर्म होल वाली साइड को ही हमें इस तरह से रखना है। और सेम इसी तरह से हम दूसरे स्टेप्स को भी रख लेंगे, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए इस तरह से रखना है। अब हम इसके ऊपर हमने जो एक पार्ट और कट किया है फ्रंट वाले पार्ट के लिए इसे रखेंगे। देखिए इसकी लेंथ हमने यहाँ पे अपने इस वाले पार्ट से थोड़ा सा कम रखी हुई है, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। तो अब हमें इसके ऊपर इसे रखना है, ये देखिए इसके भी हमारे पास दो पार्ट हैं और अब हमें यहाँ पे इसको इस तरह से रखना है। देखिए बिल्कुल मिलाते हुए हम रखेंगे, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए इसे हमें रखना है। तो देखिए ये कपड़े की रॉन्ग साइड है ये देखिए, और ये राइट साइड है कपड़े की, और ये भी कपड़े की राइट साइड है। कपड़े की राइट साइड के ऊपर से ही हमने यहाँ पे स्ट्रेप्स को रखा है और इसके बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर एक पार्ट और हमने जो कट किया है इसे रख लिया है देखिए। और अब हम यहाँ आर्म होल में एक सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई हमें यहाँ पे नेक में लगानी है। और सेम इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरी साइड वाला पार्ट को भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। देखिए ये कपड़े की राइट साइड है यहाँ पर, और राइट साइड के ऊपर से ही हमने यहाँ पे स्ट्रैप्स को रखा हुआ है। और अब हम इसके ऊपर हमने जो एक पार्ट और कट किया हुआ है फ्रंट वाले पार्ट के लिए इसे रख लेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए, ये राइट साइड है कपड़े की देखिए ये, और इसके ऊपर अब हम इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए इसे रखेंगे और यहाँ आर्म होल में और नेक में इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसमें सिलाई लगा ली है और दोनों पार्ट्स में हमने इसी तरह से आर्म होल और नेक में सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे इसमें कट्स लगाएंगे। तो कट लगाने के लिए इसे मैंने अपनी साइड को टर्न कर लिया है देखिए, और अब यहाँ पूरे में हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। दोनों पार्ट्स में हम इसी तरह से कट लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट्स में कट लगा लिए हैं और अब हम यहाँ पर इसे रॉन्ग साइड की ओर को टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे रखना है देखिए, स्टेप्स को इस तरह से पकड़ते हुए ये जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है इसे रॉन्ग साइड को टर्न करना है, ये देखिए इस तरह से। और सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी ओपन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी बैक पार्ट में भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई हुई है देखिए। तो यहाँ पे हमने एक फैब्रिक जो और यूज़ किया था इसकी वजह से यहाँ पर आर्म होल में और नेक में हमारी बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई है देखिए। तो अब हमें यहाँ पे इस वाले पार्ट को इस तरह से पकड़ते हुए डबल फोल्ड करके यहाँ पे इसमें एक सिलाई रख लेनी है। अब हम बैक पार्ट में स्टेप्स को लगाएंगे। तो देखिए ये रॉन्ग साइड है कपड़े की और ये राइट साइड है। तो यहाँ पे राइट साइड के ऊपर से ही हमें यहाँ पे स्टेप्स को रखना है। तो किस तरह से रखना है वो मैं आपको बताती हूँ देखिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक निशान लगाऊँगी कि हमें स्टेप्स को कहाँ पर रखना है। तो देखिए यहाँ आर्म होल से मैं एक निशान लगा रही हूँ 3 इंच पर। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ इस साइड से भी हमें यहाँ पे 3 इंच पे ही एक निशान लगाना है देखिए इस तरह से। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमें स्टेप्स को रखना है। देखिए ये कपड़े की राइट साइड है और राइट साइड के ऊपर से ही हमें स्टेप्स को रखना है। और ये फ्रंट वाला पार्ट है देखिए, ये राइट साइड है फ्रंट वाले पार्ट की और इसे हमें इस तरह से रखना है। ये प्लेकेट वाला पार्ट जो है ये हमारा बीच में आना चाहिए और ये राइट साइड है कपड़े की
और ये भी राइट साइड है, तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए ही हमें यहाँ पे स्ट्रैप्स को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है यहाँ पे। और सेम इसी तरह से हमें यहाँ पे दूसरी साइड वाली स्ट्रैप्स को भी रखना है। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट वाले पार्ट का राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो इस तरह से स्ट्रैप्स को हमें बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। देखिए, ये राइट साइड है कपड़े की, ये भी राइट साइड है, तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए इस तरह से हमें स्ट्रैप्स को रखना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि ये फ्रंट वाले पार्ट का जो रॉन्ग साइड है ये ऊपर साइड होना चाहिए। देखिए, तो देखिए ये हमने यहाँ पे इस तरह से रख लिया है। और अब हम इसके ऊपर से एक पार्ट और हमने जो कट किया है बैक पार्ट के लिए, इसे रखेंगे। देखिए, जो हमने फिनिशिंग के लिए एक पार्ट और कट किया है, इसे हमें यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है कपड़े की, तो इस तरह से जो रॉन्ग साइड है ये ऊपर साइड होनी चाहिए। देखिए, तो ये राइट साइड है, ये भी राइट साइड है, तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए इस तरह से हमें बिल्कुल मिलाते हुए रखनी है। और यहाँ पे भी हमें आर्म होल में और नेक में एक सिलाई लगा लेनी है। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे आर्म होल से सिलाई लाते हुए यहाँ पे स्ट्रेट भी रख सकते हैं और यहाँ पे आप हल्का सा राउंड शेप भी दे सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे राउंड शेप में ही सिलाई दूंगी। यहाँ पे जो कॉर्नर आ रहा है इस कॉर्नर में मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, यहाँ पे मैं राउंड शेप देते हुए ही इसमें एक सिलाई लगाऊंगी। तो आप यहाँ पे स्ट्रेट सिलाई भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसमें मैं सिलाई लगाती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसमें सिलाई लगा ली है और अब हम इसमें कट लगा लेंगे। और इस तरह से कट लगाने के बाद इसे हम राइट साइड की ओर को टर्न कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो अब जो हमारा अपर पार्ट है ये हमारा रेडी है बनके। आगे से हमें इसमें प्लेकेट लगानी है, वो हम लास्ट में लगाएंगे। तो अब मैं इसका बॉटम पार्ट रेडी करूँगी। तो बॉटम पार्ट रेडी करने के लिए हमने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट के लिए दो अलग अलग पार्ट हमने कट किए हुए हैं और बैक पार्ट के लिए हमारे पास एक पीस है। देखिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ ये फ्रंट वाले पार्ट को हमें किस तरह से रेडी करना है। तो देखिए, ये कपड़े की रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है और ये हमारे कपड़े की लेंथ है। देखिए, और ये चौड़ाई है कपड़े की, और यहाँ चौड़ाई वाली साइड से ही हमें यहाँ एक साइड से ऊपर 5 नंबर की एक सिलाई रखनी है। यहाँ पे इसमें हम गैदर्स देंगे। और ये जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है ये हमारा फ्रंट का दूसरे साइड का पार्ट है। देखिए, और ये हमारे कपड़े की विड्थ है यानी कि चौड़ाई है और ये लेंथ है। और यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई वाली साइड में ही हमें यहाँ पे 5 नंबर की एक सिलाई रखनी है और उसमें भी हमें गैदर्स देने हैं। और सेम इसी तरह से हमारे पास जो बैक वाले पार्ट का है इसे भी हमें इस तरह से ओपन करके रखना है। देखिए, ये लेंथ है कपड़े की और ये कपड़े की विड्थ है यानी कि चौड़ाई वाली साइड है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 5 नंबर की एक सिलाई लगा ली है और अब इस तरह से थ्रेड को खींचते हुए इसमें हम गैदर्स देंगे। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और कपड़े की राइट साइड है। तो अब जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है इसमें हमने गैदर्स दे दिए हैं। देखिए, और दोनों साइड से हमने यहाँ पे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है जिसमें हमने गैदर्स नहीं दिए हैं। देखिए, दोनों साइड से हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ है इस तरह से। तो देखिए, ये कपड़े की रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है कपड़े की, और इसे हमें किस तरह से अटैच करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये राइट साइड है कपड़े की और ये रॉन्ग साइड है, और ये फ्रंट वाले पार्ट का राइट साइड है। देखिए, तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है। और यहाँ ऊपर से हमें एक सिलाई रख लेनी है इसमें। और सेम इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरी साइड भी बॉटम पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे दोनों साइड में हमने बॉटम पार्ट को अटैच करके इसमें सिलाई लगा दी है। और अब हम इसे इस तरह से राइट साइड की ओर को टर्न कर लेंगे। देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। और सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी इस तरह से हमने राइट साइड की ओर को टर्न कर लिया है। अब हम बैक वाले पार्ट में बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे बैक वाले पार्ट का राइट साइड है। देखिए, और इसके ऊपर अब हमें अपने बॉटम पार्ट को अटैच करना है। तो देखिए, इसमें हमने गैदर्स दे दिए हैं और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं कि हम गैदर्स किस तरह से देते हैं। तो देखिए, ये बैक वाला पार्ट है और कपड़े की राइट साइड है, और कपड़े की राइट साइड के ऊपर ही हमें यहाँ पे बॉटम पार्ट की राइट साइड को मिलाते हुए इस तरह से रखना है। देखिए, दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए इस तरह से यहाँ ऊपर से इसमें हम सिलाई रखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ मैंने इसमें सिलाई रख दी है। अब हम इसे इस तरह से राइट साइड की ओर को टर्न कर लेंगे। देखिए,
देखिए अब हमें फ्रंट वाले पार्ट में प्लेकेट लगाना है। तो प्लेकेट लगाने के लिए मैंने यहाँ पे दो पट्टियाँ कट की हुई हैं। देखिए इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और लेंथ में हमने ये अपने मिडी के बराबर ही रखी हुई है। देखिए तो देखिए अब हमें यहाँ पे प्लेकेट बनाना है। तो अब ये जो हमारा लेफ्ट साइड वाला प्लेकेट है, इसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले प्लेकेट को रखना है। प्लेकेट के लिए हमने जो ये पट्टी कट की हुई है, इसे हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर अब हमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड वाला पार्ट रखेंगे। देखिए ये हमारा लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है, तो यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे एक साइड से एक सिलाई रखनी है यहाँ पे। ये हमारा फ्रंट वाले पार्ट का लेफ़्ट वाला साइड है। और अब जो हमारा फ्रंट वाले पार्ट का राइट साइड है, इस साइड वाली जो प्लेकेट है, ये इसकी पट्टी हम यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर ही रख लेंगे। देखिए और यहाँ पे साइड से एक सिलाई रखेंगे, इसमें भी हमें यहाँ साइड से एक सिलाई रखनी है। तो चलिए मैं दोनों में इसमें साइड से सिलाई रख के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट्स में सिलाई लगा दी है साइड से। और ये हमारा लेफ़्ट साइड वाला प्लेकेट है देखिए। और यहाँ बॉटम पार्ट में भी मैंने डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा ली है देखिए। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला प्लेकेट है देखिए, इसे हमें एक फोल्ड करना है इस तरह से। देखिए यहाँ साइड से इसे हमें 1/2 इंच लगभग फोल्ड करना है देखिए इस तरह से। और उसके बाद ये जो हमारी यहाँ पे साइड से सिलाई दिख रही है, इस सिलाई के ऊपर इस तरह से इस प्लेकेट को रख लेना है देखिए यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ ऊपर से इसमें हमें टॉप स्टिच रख लेनी है और इसी तरह से यहाँ पूरे में हमें एक सिलाई रख लेनी है। और यहाँ ऊपर नेक में फिनिशिंग के लिए हमने यहाँ पे जो प्लेकेट वाला कपड़ा है वो 1/2 इंच लगभग एक्स्ट्रा रखा है देखिए ऊपर साइड से। यहाँ दूसरे साइड वाले प्लेकेट में भी मैंने ऊपर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है देखिए प्लेकेट वाला जो कपड़ा है। और यहाँ सबसे पहले ऊपर से हमें इस तरह से एक फोल्ड इसे करना है जो हमारा प्लेकेट वाला कपड़ा है। सबसे पहले हम प्लेकेट वाले कपड़े को इस तरह से एक फोल्ड करेंगे। देखिए मैं इसे आपको जूम करके दिखा रही हूँ। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे साइड से एक बार 1/2 फोल्ड करना है ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद ये जो साइड से सिलाई दिख रही है, इस सिलाई के ऊपर हमें यहाँ पे इस प्लेकेट को इस तरह से रख लेना है। इसी तरह से रखते हुए यहाँ पूरे में हम इसमें सिलाई लगा देंगे ऊपर से। अब मैं आपको बताती हूँ राइट साइड वाले प्लेकेट को हमें किस तरह से फोल्ड करना है। तो देखिए इसे मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर से हमें 1/2 इंच फोल्ड करना है और यहाँ पे उसके बाद साइड से इस तरह से एक फोल्ड करना है। जहाँ तक हमारी सिलाई है यहाँ तक ही हमें इसे फोल्ड करना है देखिए, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ ऊपर से एक सिलाई लगानी है और उसके बाद इस पट्टी को पूरा पूरा हमें यहाँ पे रॉन्ग साइड की ओर को टर्न कर लेना है। जो हमारी राइट साइड वाली पट्टी है, ये हमारी पूरी पूरी रॉन्ग साइड की ओर को टर्न हो जाती है। और यहाँ रॉन्ग साइड से इसमें हम पूरे में तुरपन कर लेंगे। तो देखिए अब हमने यहाँ पे प्लेकेट को रेडी कर लिया है। और ये जो राइट साइड वाली पट्टी है, इसमें अभी हमने हेमिंग नहीं करी हुई है देखिए, इसमें अब हम हेमिंग कर लेंगे। और ये जो हमारी लेफ़्ट साइड वाली पट्टी है, इसमें हमारी 1 इंच लगभग पट्टी जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ जाती है। तो अब जो हमारा राइट साइड वाला पार्ट है, इसे हम यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे देखिए। और अब हम यहाँ पे ऊपर से इसमें बटन्स लगा लेंगे। और अब हमें यहाँ पे एक पॉकेट भी लगानी है। तो देखिए पॉकेट लगाने के लिए मैंने यहाँ पे दो पार्ट कट किए हुए हैं। इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे ली है 7 इंच ये देखिए, और विड्थ में मैंने ये 5 इंच लिया हुआ है देखिए। और अब हमें यहाँ पे पॉकेट में चारों साइड से 1/2 इंच लगभग फोल्ड करते हुए चारों साइड से इसमें आयन कर लेनी है इस तरह से। देखिए 1/2 इंच लगभग फोल्ड करना है और चारों साइड से इसे फोल्ड करके इसमें आयन कर लेनी है। तो देखिए पॉकेट में मैंने चारों साइड से 1/2 इंच लगभग फोल्ड करके इसमें आयन कर ली है अच्छे से। और अब लेंथ में किसी भी एक साइड से इसमें हमें एक सिलाई लगानी है देखिए। जो हमारी लेंथ है इसकी 7 इंच, इसमें हमें यहाँ पे किसी भी एक साइड से इसमें एक सिलाई लगानी है दोनों पार्ट्स में। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसमें एक सिलाई लगा ली है ऊपर से ये देखिए दोनों पार्ट्स में। और अब हम यहाँ पे इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए पॉकेट को हमें इस तरह से रखते हुए इसमें हमें यहाँ पे तीनों साइड से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ ऊपर से हमें कोई सिलाई नहीं लगानी है देखिए, वरना तो पॉकेट यहाँ ऊपर से बंद हो जाएगी, इसलिए हमें यहाँ पे 3 साइड से इसमें सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी पॉकेट लगाएंगे।
और इस तरह से पॉकेट लगाने के बाद अब हम यहाँ पे बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। देखिए, तो देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट है और ये रॉन्ग साइड है कपड़े की, और ये फ्रंट वाले पार्ट की राइट साइड है। तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इसमें साइड से सिलाई लगानी है, जो हमारे फिटिंग के निशान है उस पर ही। और अब जो हमारा ये बैक वाले पार्ट का ये वाला पार्ट है, देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो हमारी ये आर्म होल वाली सिलाई है, तो फ्रंट और बैक दोनों की आर्म होल की सिलाई को इस तरह से मिलाते हुए बैक वाले पार्ट का ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हमें यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को टर्न कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ साइड से इसमें सिलाई लगा देनी है, और सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसमें साइड से सिलाई भी लगा दी है और पॉकेट भी मैंने लगा ली है। देखिए, तो इससे पहले मैंने आपको जो बटन दिखाए थे ये वाले, ये बटन मैंने इसमें नहीं लगाए हुए हैं, मैंने बटन चेंज कर दिए हैं क्योंकि ये बटन इसमें अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने यहाँ पे बटन इसमें चेंज कर दिए हैं और पॉकेट भी मैंने अटैच कर दिए। देखिए यहाँ मैंने कमर से इसमें 9.5 इंच पे एक निशान लगा के यहाँ पे पॉकेट अटैच कर दी है दोनों साइड में। और अब हमारी मिडी ड्रेस बन के बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएँ कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।